बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ ज़ेब एमएलटी वीडियोस। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो टर्मिनोलॉजीज के दरमियान डिफ्रेंसीशन कि हम कैसे करते हैं। यूजुअली हम जब क्लिनिकल में सुनते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होता है जो कि हम एक इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस या उसमें डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए और उन इंडिविजुअल में जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें वो डिसऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिकलिंग टेस्ट एक टेस्ट है जो कि सिकल सेल डिसऑर्डर को स्क्रीन करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि यूजुअली जो सिकलिंग डिसऑर्डर होते हैं और जो कि हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये सिम्टम शो नहीं करता, तो उसके लिए फिर हम सिकलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसी तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा इम्यून क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का, ICT मेथड, जिसमें हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, उस डिसऑर्डर को कन्फर्म करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जिक्र किया इससे पहले सिकलिंग टेस्ट का, कि हम सिकलिंग टेस्ट सिर्फ उन इंडिविजुअल्स में डिटेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम सिकलिंग के बाद हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करें तो इसको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि ये उसकी कन्फर्मेशन के लिए हम परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसी तरह इम्यून क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू अगर एक इंडिविजुअल का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसको रेफर करते हैं PCR के लिए, तो PCR कंफर्म कर देता है उस इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस को कि इस इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या इवन HIV है। तो दिस PCR इज बेसिकली अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी आर सी। तो ये मेन डिफरेंस है स्क्रीनिंग टेस्ट में और डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।